तो आज बजट का स्पेशल डे है, तो उसके चलते हमने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जो सिर्फ आपको खबरों के चलते नहीं बल्कि बजट के चलते भी काफी सारी कमाई करके देने वाली है। इसके लिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आशीष, और जो कैश का काउंटर है वो जो मुझे पसंद आ रहा है वो है क्वेस्टकॉर्प का, क्योंकि इस बार बजट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काफी फोकस रहने वाला है, और इसके चलते आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में क्वेस्टकॉर्प हो या फिर इंफोबीन जैसे काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। इसके चलते आज क्वेस्टकॉर्प में खरीदारी कीजिएगा 595 के लक्ष्य के लिए। ITC इसके ऊपर बजट में हमेशा एक हैंगओवर रहता है कि सिगरेट पे अगर टैक्स बढ़ा तो इस काउंटर में गिरावट देखने मिलती है, तो उसके चलते आज यहाँ पे आप एक बिकवाली का कॉल ले सकते हैं फ्यूचर्स में 198 के लक्ष्य के लिए। सेल बेहतरीन नतीजों के चलते 59 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ खरीद के चलिए 4 रुपये के आसपास के लक्ष्य के लिए। IRCTC यहाँ पे रेलवे के लिए या फिर टूरिज्म के लिए कोई बड़ा ऐलान आता है तो उसका इम्पैक्ट होगा, 1500 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलना है। BHEL इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं, भले वो डिफेंस हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो या फिर इकोनॉमी के रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो यहाँ पे तेजी देखने मिलेगी, 37.5 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। फुटवेयर इंडस्ट्री पे नजर रखिएगा, वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर मेक इन इंडिया कैंपेन को सक्सेसफुल बनाना है तो फुटवेयर इंडस्ट्री जो है अहम भूमिका रखती है, तो बाटा को खरीद के चलेगा, 1700 के लक्ष्य 2 महीने में देखने मिलेंगे। दीपक नाइट्रेट यहाँ पे FNO में मार्च सी से शामिल होगा, उसके चलते आज तेजी देखने मिलेगी, 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए। AU स्मॉल फाइनेंस जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस है वहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए, 890 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। लॉरेंस लैब में खरीदारी कीजिएगा 355 के लक्ष्य के लिए, और अगर रूरल को बूस्ट मिलता है जो कि मिलने की काफ़ी संभावना है तो इमामी में तेजी बन सकती है, 518 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ भी खरीदारी करके चलना है। और इनमें से जो मेरा सबसे बेस्ट पिक है, जो मेरा फेवरेट पिक है, जिसमें आज लगता है कि अच्छी खासी आपको तेजी भी देखने मिल सकती है, वो है दरअसल BHEL का, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स है जो कि इसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो या फिर आपके चार्जिंग स्टेशन की कहीं ना कहीं खबरें हैं या फिर तमाम इकोनॉमी को लेकर खबर हो या फिर वेपन्स को लेकर खबर हो, यहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिलेगा, इसके लिए खरीदारी करके चलना है आपको। तो चलिए, कैश का स्टॉक है NBCC, बजाज फिनसर्व, सपोर्ट के आसपास की क्लोजिंग है, थोड़ी भी गिरावट होती है तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। PNB स्ट्रक्चर शानदार है, यहाँ पर 34 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे 1.80 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर। कोरोमंडल इंटरनेशनल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, फर्टिलाइजर स्पेस की कंपनी है, यहाँ पर पोजिशनल व्यू आप बनाकर चल सकते हैं। यूनिकेम लैब्स टर्न अराउंड नतीजे कंपनी ने पेश किए, यहाँ पर भी आप पोजिशनल व्यू बना सकते हैं 340 रुपये के लक्ष्य के लिए। निवेश के लिहाज से खरीदारी करनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, 1 साल का समय देंगे तो हो सकता है कि 1320 के पार निकल जाए स्टॉक। रिलैक्सो फुटवेयर नतीजों का असर देखने को मिलेगा, यहाँ पर करीब 865 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। अंबर एंटरप्राइज नतीजे अच्छे, पूरा स्पेस काफी ज्यादा बजिंग है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। हिडलबर्ग सीमेंट में ब्रेकआउट की उम्मीद है, 235 का लक्ष्य होगा। CDSL नतीजे शानदार है, 500 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश का स्टॉक NBCC, यहाँ पर कंपनी को कुछ बड़े ऐलान होते हुए दिख सकते हैं, यहाँ पर 32.80 रुपये के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में आप खरीदारी करेंगे। तो चलिए, हमारे स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है। देखिए मानसी, भले ग्लोबल मार्केट कमजोर हो लेकिन हमारे स्टॉक्स सारे के सारे खरीदारी के हैं, और काफी कुछ इसमें बजट में जिसपे ऐलान हो सकता है उसके इंपैक्ट वाले स्टॉक्स भी हमने आपको बताए। बिल्कुल, तो पॉजिटिविटी तो बिल्कुल बरकरार है और पॉजिटिविटी से ही हमने शुरुआत की है, और उम्मीद करते हैं कि पिछले 1 घंटे में जो पावर पैक 1 घंटा रहा, बजट से जुड़ी जो शुरुआती जानकारियां हैं, सब कुछ आपको मिलती दिखी है। लेकिन आगे अब जो महाकवरेज आने वाली है इस पर फोकस रहेगा।